हेलो गाइस, नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार की हैं। 5 ईयर फंडामेंटल, नर्सरी 4 ईयर्स, जूनियर KG 5 ईयर्स, सीनियर KG 6 ईयर्स, स्टैंडर्ड फर्स्ट 7 ईयर्स, स्टैंडर्ड सेकंड 8th ईयर, 3 ईयर प्रीपरेटरी, स्टैंडर्ड थर्ड 9th ईयर्स, स्टैंडर्ड फोर्थ 10th ईयर्स, स्टैंडर्ड 5th 11th ईयर्स, 3 ईयर मिडल, स्टैंडर्ड 6th 12th ईयर्स, स्टैंडर्ड 7th 13 ईयर, स्टैंडर्ड 8th 14th ईयर्स, 4 ईयर सेकेंडरी, स्टैंडर्ड 9th 15 ईयर्स, स्टैंडर्ड SSC 16 ईयर, स्टैंडर्ड FYJC 17 ईयर, स्टैंडर्ड SYJC 18 ईयर। केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, MPhil होगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी, 10वीं बोर्ड खत्म। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब अनिवार्य नहीं है। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में MA कर सकेंगे। MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो गया है। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है तो वह पहले कोर्स में सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनोमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फॉर्म NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डिन सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इस YouTube चैनल अपनाfuture.com को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल, मोटिवेशनल और अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।